के बारे में जज साहब के बारे में बताऊंगा, अब्दुल वसीम साहब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्यारे इंसान और बहुत ही दर्द रखने वाले। अस्सलाम वालेकुम, शमा मेरी बेटी है। तो पहले मैं यहाँ पर पोस्टेड था 2013-14 में। तो जब मैं आया यहाँ पे तो एक स्कूल में दाखिल करने की कोशिश की शमा की, तो स्कूल ने कहा कि नहीं, ये हमारी क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतर सकती, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो फिर सर इरफान से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा वार्मली वेलकम किया और इस तरह उन्होंने ट्रीट किया जैसे हम उन पर कोई एहसान कर रहे हो बच्ची को दाखिल करने। इन्होंने बड़ी एफर्ट्स की और बेटी इस काबिल होगी, वो हाइपर एक्टिविटी जिस तरह सब बच्चों की होती है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और बड़ा एक्सट्रीम लाइफ और 10 दिन की वो ग्रूमिंग हुई। फिर यहाँ से जब मैं ट्रांसफर आउट हुआ, मैं कोहाट गया, तो सर इरफान से रब्ता होता रहता और होता रहता था। तो बेटी मेरी थोड़ी सी डिटेरिएट हो गई, फोन पर आपसे सर बात होती रहती थी, आप बड़ा इंकरेज करते थे कि ये हो जाएगा, लेकिन मैं इनको यही कहता था कि मेरी दोबारा ट्रांसफ़र यहाँ पर मुश्किल है क्योंकि 6 साल आलगरी मैंने गुजारे हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, जिस तरह भी इन्होंने कहा कि जी बड़ा फ़र्क है चेंज में। तो इन्होंने कहा कि मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह आपकी दोबारा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो दोबारा यहाँ पे आया तो टेक्स्ट स्कूल में फिर बेटी को दाखिल। मेरा यहाँ आना खासकर सर इरफान के लिए है ताकि अपनी बेटी को उनके साथ एडमिट करा, और ये आप देख रहे हैं सबके ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस स्कूल्स सबसे बेहतर रही है मेरे ख्याल में। अच्छा, इनका एक वाक़ सर, ये इस तरह था, मैं यहाँ पर था ऑफिसर्स कॉलोनी में, तो एक दिन ज़बरदस्ती बारिश लगी हुई थी तूफान पर घंटी बजी घर की। तो मैंने कहा मिसेस को के ठीक बंदा नहीं, कोई पागल लगता है मुझे इस बारिश में, बंदा कोई आया है तो ये तो नॉर्मल नहीं हो सकता। मैं खुद ही गया कि कौन है तूफान में बारिश में कौन आया। सर इरफान अपनी मोटरसाइकिल पे आए और मुझे एक डब्बा दिया कि ये इसमें बल्ब है, ये आप शमा की कमरे में लगाए ताकि उसको पसंद भी आएंगे और इससे ये जो जिस तरह गुल गुल अभी ये घूम रहे थे कि तो ये उसकी ये एक्टिविटी है उसकी, और आप ये करें। तो मैंने सोचा कि बंदा इतने तूफान में अपने एक स्टूडेंट के लिए, तो आज कल दिस इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। तो सर यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब और आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो पजीराई शायद आपको किसी भी सतह पे नहीं मिल रही, लेकिन अल्लाह इस आपको इसका अजर दे। हमारी आपके साथ दुआएं और आप हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि अपने ये बच्चों के साथ घर में किस तरह, यानी आप हमें सिखा रहे हैं। तो यू आर आवर मास्टर, आप हमारे टीचर हैं, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस सब। मदर की